बच्चों के अभिभावकों से निजी स्कूल संचालक पैसे लूटने के लिए बना दिया है 20 किलो का बैग। अनावश्यक किताबों का बोझ बच्चों की पीठ पर लाद दिया गया है। जबरन फीस लूटने का काम कर रहे हैं निजी स्कूल, अभिभावकों की जेब पर कर रहे हैं लूट प्राइवेट विद्यालय। ललितपुर में शिक्षक सत्र 2022-23 शुरू होते ही अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जहां एक ओर अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों में किताबों व ड्रेस के नाम पर अभिभावकों को जमकर लूटा जा रहा है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अभिभावक महज निजी विद्यालयों के हाथों में कठपुतली बनकर रह गया है। निजी विद्यालयों द्वारा कोरोना संकट काल के बाद शासन के निर्देश पर पूर्ण क्षमता से विद्यालयों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बीते 2 वर्षों से नवीन प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे बच्चों के प्रवेश भी भारी संख्या में निजी विद्यालयों में हुए हैं। कई बच्चे अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होकर कक्षा में पहुंचे हैं। बच्चों के निजी विद्यालयों में एडमिशन होने के बाद अब बारी आती है किताबों और ड्रेस की। तो आपको बता दें कि निजी विद्यालयों ने हर बार की तरह इस बार भी निर्धारित दुकानों से ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों की सूची हाथों में थमा दी है। विद्यालयों द्वारा निर्धारित की गई दुकानों पर ही मिलेगी किताबें व ड्रेस। निर्धारित दुकानों पर मिलने वाली किताबों की मूल्य काफी अधिक बढ़े हुए हैं, जिससे कोरोना संकट काल में आर्थिक रूप से टूट चुके अभिभावकों को भारी आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है।